brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन ने अपना फुजियान अब पानी में उतार दिया है। समंदर में इसकी टेस्टिंग हो रही है कि आखिर ये कितना बलशाली, कितना ताकतवर है। पर इसी के साथ एक और सवाल उठता है कि क्या फुजियान दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धपोतों में से एक है? क्या इसके आगे कोई नहीं टिकता? तो आइए सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं भारत के विक्रांत से कि आखिर विक्रांत के आगे फुजियान फुस होता है या फिर उसके आगे टिकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पूरे डायमेंशन के बारे में कि आखिर कौन कितना बड़ा है। डायमेंशन में जो मेरे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 262 मीटर विक्रांत लंबा है, जबकि 320 मीटर लंबा है फुजियान। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर विक्रांत 62 मीटर चौड़ा है, जबकि 73 मीटर चौड़ा है फुजियान। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 59 मीटर ऊँचाई है विक्रांत की, लेकिन यहां पर अभी भी इस फुजियान की ऊंचाई की लेकर कोई भी जानकारी चीन ने जारी नहीं की है। अब बताते हैं, अब बारी आती है कि आखिर कौन सा एयरक्राफ्ट करियर कितना ताकतवर है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, यानी कितना भार लेकर वो एक बार में चल सकता है। अब बारी आती है दोनों के डिस्प्लेसमेंट की। तो विक्रांत का जो फुल डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 45,000 टन का है, जबकि फुजियान के बारे में दावा है कि वो 80,000 से 82,000 के आसपास, 82,000 टन का उसका फुल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये बताइए कि आखिर चीन ने जब पहली बार अपना ये स्वदेशी फुजियान बनाया तो इसमें एक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसे कहते हैं इमाल्स। इमाल्स असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक है जिसके जरिए किसी भी तरह के फाइटर जेट्स को डेक पर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन भारत अभी भी जो तकनीक अपने विक्रांत पर इस्तेमाल कर रहा है वो है एस्ट्रोबार। डायमेंशन में भले ही विक्रांत से बड़ा हो सकता है फुजियान, लेकिन तकनीक पर बात करेंगे तो बहुत सारे मामलों में भारत आगे है। आगे इसलिए क्योंकि फिलहाल इमाल्स को लेकर अमेरिका से टेस्टिंग कर रहा है, इसे जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है और जनरल इलेक्ट्रिक ने जैसे ही इमाल्स को बनाया अब इसकी टेस्टिंग हो रही है और बताया ये गया है कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उस पर इमाल्स थोड़ा कारगर या फिर कह लें कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बाकी किसी एयरक्राफ्ट करियर पर इसकी जो कार्यक्षमता है उसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। भारत पर अगर भारत के हम आईएसी की बात करें, भाई भारत के विक्रांत की बात करें, तो भारत के विक्रांत में जो तकनीक इस्तेमाल होती है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के लिए उसे कहते हैं एस्ट्रोबार। एस्ट्रोबार में आमतौर पर क्या होता है, ये एक पारंपरिक तकनीक है जहाँ पर अगर आप एयरक्राफ्ट करियर के आखिरी हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा कर्व दिखाई देगा बिल्कुल इस तरह से। जब फाइटर जेट तेज स्पीड से आते हैं तो इसकी मदद से वो उड़ान भरते हैं। आमतौर पर दूसरे करियर्स का अगर आप देखते हैं पूरा जो डेक है वो फ्लैट होता है, तो वहाँ पर कैटापल्ट का इस्तेमाल होता है और कैटापल्ट में दो तरह के वर्जन होते हैं, एक होता है स्टीम बेस्ड और अभी दुनिया काम कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम पर। अमेरिका पिछले कई सालों से इस सिस्टम की लगातार टेस्टिंग कर रहा है और अपने फोर्ड क्लास के करियर पर इसे लगाने की तैयारी कर रहा है और कई रिपोर्ट्स हैं कि लग गया है, लेकिन इसकी कार्यशैली और क्षमता पर अभी भी सवाल है। भारत को भी अमेरिका ने यही तकनीक ऑफर की थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इसे लेने से मना कर दिया था और कह दिया था कि इसकी क्षमता और ये कितना कारगर होगा इसको लेकर अभी भी भारत को डाउट है। इसीलिए भारत ने अपनी पुरानी तकनीक एस्ट्रोबार का इस्तेमाल किया जहां पर कर्व के सहारे आमतौर पर फाइटर जेट जो है वो टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि एस्ट्रोबार के आने से थोड़ी सी क्षमता, यानी कि आप हर तरह के फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं कर सकते डेक से। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या फुजियान पर लगा इमाल्स का दावा सही है? अगर सही है तो इमाल्स आज तक जो अमेरिका जिसने सबसे पहले इसको इजाद किया वो क्यों नहीं कर पाया? अब बताते हैं इमाल्स के बारे में। इमाल्स से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल होती थी स्टीम की टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए किसी भी फाइटर जेट को शून्य से 165 नॉट की स्पीड
सिर्फ 2 सेकंड में ये पावर जनरेट करने की क्षमता देता था। कैटापल्ट्स वो क्षमता देती थी कि आप किसी भी तरह के फाइटर जेट को आप आसानी से डेक से ऑपरेट कर सकते हैं। अब बारी आई कि आखिर इसके थोड़े से भी मिसमैनेजमेंट से हो सकता है कि आगे भविष्य में कोई खतरा हो जाए, तो इमाल्स के बारे में बातचीत होनी शुरू हुई। इमाल्स को बनाया गया कि यहाँ पर अब मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की मदद से जो है फाइटर जेट्स को टेक ऑफ कराया जाएगा। अभी अमेरिका काम ही कर रहा है, चीन ने लॉन्च कर दिया, उतार दिया समंदर में अपना फुज्जा, कहने लगा कि हमारे पास दुनिया का सबसे पहला जो है वो कैटापल्ट पे इमाल्स सिस्टम है। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जो चीन दावा कर रहा है वो कितना सही है। अब आइए लौटते हैं दोनों की फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने की क्षमता को लेकर। विक्रांत पर 30 फाइटर जेट्स ऑपरेट हो सकते हैं जबकि फुजियान पर 36, तो बड़ा होने का कोई बहुत बड़ा फायदा है नहीं, यहां पर सिर्फ 6 फाइटर जेट्स का अंतर है। इसके अलावा विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट हैं और तकरीबन 1700 लोग जो हैं इस विक्रांत पर क्रू मेंबर्स के तौर पर रहते हैं जो सब कुछ ऑपरेट करते हैं, यानी सारे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी जिनके पास होती है। लेकिन चीन के इस एयरक्राफ्ट करियर को लेकर जो चर्चा है वो ये है कि अभी तक जो दावे चीन कर रहा था ये दावे उसने किसी और एजेंसी के तहत करवाए हैं। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि सैटेलाइट फिगर्स या फिर इमेजेस के आधार पर इसके डायमेंशन को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि चीन दावा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, लेकिन इस दावे की भी पोल बहुत जल्द खुलने वाली है। समंदर में उतरते ही इसके डिस्प्लेसमेंट, इसके मूवमेंट की जानकारी जैसे जैसे बाहर आएगी भारत तक आपको देगा। लेकिन जिस तकनीक के इस्तेमाल करने का दावा चीन कर रहा है वो तकनीक असल में अभी भी ट्रायल फेज में है, ऐसे में लोगों को चीनी माल पर अभी भी भरोसा नहीं है। भारत का विक्रांत जो है वो शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्ट के लिए अपने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, एस्ट्रोबार सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा अरेस्ट वायर्स का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए होता है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फुजियान पर लगा इमाल्स एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इमाल्स को लेकर अब तक कोई सटीक दावा आया ही नहीं है। अब कैटोबार तकनीक जिसकी बात चीन कर रहा है वो अभी भी दुनिया भर में ट्रायल में ही रह गया है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमाल्स को लेकर जो दावा चीन कर रहा है वो गलत है क्योंकि अमेरिका अभी भी इस तकनीक को लेकर बहुत ज़्यादा संशय में है। भारत की बात करें तो भारत ने तकनीक इसलिए नहीं अपनाई क्योंकि बहुत सारे दावे थे और छोटे करियर्स पर यह तकनीक बिल्कुल सफल नहीं थी, और भारत ऐसे किसी भी तकनीक पर रिलायबल नहीं होना चाहता जिसमें खतरा है या फिर जिसमें जान और माल दोनों को नुकसान है। फिलहाल भारत के विक्रांत की बात करें तो कई मामलों में भारत का विक्रांत फुजियान से बेहतर है। अभी भी फुजियान में क्या क्या कमी है न चीन बताएगा न दुनिया को पता चलेगा, लेकिन जिस दिन परीक्षा की बारी आएगी उस दिन फुजियान फुस हो जाएगा।